वणक्कम नमस्ते, आप लोग को सबको स्वागत है फिर से मेरा एक नया वीडियो के साथ, नया ब्लॉग के साथ। आज हम कहीं दूसरा जगह या कुछ जाने नहीं, कुछ दिन से हमारा ये ब्लॉगिंग जो है बंद है और ट्रैवलिंग हम बंद रखा है, क्योंकि गाड़ी का भी थोड़ा प्रॉब्लम है और हमारा खुद का भी कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग नहीं निकल रह पा रहे हैं। बहुत जल्दी आपको कंटिन्यू ब्लॉग्स आ जाएगा चैनल में, तो उन कुछ दिनों के लिए आप लोग से मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आज हम आए हैं हुसूर मंदिर, क्योंकि एक बार पहले हम लोग आया था तो उस टाइम बंद था, तो आज मंदिर आया तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, फिर भी हम गए। भगवान को दर्शन हुआ होने के बाद हम लोग इधर अभी साइड में थोड़ा बैठने के लिए आया, और इधर ही साइड को थोड़ा आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। और कोई इधर हुसूर में रहते हुए भी अगर हुसूर मंदिर आया नहीं तो मेरे तरफ से आप लोग आइए, ये बहुत अच्छा एक लोकेशन है, शिव जी का मंदिर है, वहाँ माथा टेकिए और यहाँ का जो नज़ारा है उस नज़ारा का आप आनंद लीजिए। देखिए अभी ये एक का ऊपर एक इधर पत्थर रखेगा और पत्थर रख के एक टीला जैसा बनाएगा, लेकिन आप लोग सोच रहे हो ये पत्थर रखने का क्या है, लेकिन यहाँ ये मंदिर का एक रिवाज है जो एक पत्थर के आप ऊपर एक पत्थर रख के आप एक पोस्ट जैसा बना के रख देंगे, मतलब उस आप दिल में कुछ सोच के इसको रख देंगे तो ये मतलब होता है ऐसे। जैसे आप कुछ दिल का सोचना, आप सोच के कुछ अच्छा काम के लिए भी आप रख सकते हैं, या तो आपका कुछ दिल का ख्वाहिश है उसके लिए भी रख सकता है, तो ये फलता है बोल रहा है, इसके रखने से वो पूरा होता है, इसीलिए सभी ऐसे रखते हैं। आप दूसरा जगह भी देखिए बना हुआ है। हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत फोटो शूट किया हम अभी, और रील्स बनाने के लिए एक्चुअली उनका दर्शन और रील्स ये दो ही काम के लिए आया था, तो दर्शन हो गया, दर्शन होने के बाद इधर हम फोटो थोड़ा शूट किया, फोटो शूट करने के बाद अभी हम रील्स बनाएंगे। तब तक ये जो मतलब देखने के लिए जितना शाम के टाइम में होता है ना, मैं शाम के टाइम कभी नहीं आया था, बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इतना नज़दीक में हुसूर में, इतना नज़दीक में इतना अच्छा एक ये लगेगा आपको पता नहीं, मुझे भी पता नहीं था, मैं फिलहाल अभी आज आने के बाद महसूस किया हूँ। करीबन शाम होने का वक्त है और सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त होने के बाद भी एक जो खूबसूरती है ये शहर का, इसमें आपको पूरा शहर दिखाई देता है, तो एक एक साइड का, इस तरफ का, उस तरफ का, उस तरफ का, अलग अलग साइड में अलग अलग साइड का दिखाई देता है। तो इस तरफ का जो साइड है गाड़ियों का लाइट जस्ट जलना शुरू हुआ उस टाइम में, इतना मस्त लग रहा है रास्ता कि गोप्रो में पूरा कापन नहीं करेगा,
फिर भी बहुत अच्छा है। तो एक छोटा सा ब्लॉग बना दिया हम लोग ने, तो अगला ब्लॉग के साथ आपको कंटिन्यू, हमको कंटिन्यू ब्लॉग आते रहेगा आपको, आप लोग को हम आपका सामने हम आते रहेंगे। और आप लोग का जो प्यार दिया है वो बहुत बहुत सबको हमारे तरफ से धन्यवाद, बहुत बहुत मतलब लाइक आया है, बहुत कमेंट आता है उसमें से, बहुत अच्छा कमेंट भी आता है और बहुत बुरा कमेंट भी आता है। और जो बुरा कमेंट आता है उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। कम से कम आप मेरे लिए कमेंट एक लिख के आपका अपना टाइम जो है वो तो आप ये करते हो, तो आप लोग को बहुत बहुत थैंक्स। और एक नज़ारा आप देख लीजिए, ये पहले जब आया था तब इतना गंदा नहीं था ये साइड, अभी लगता है पूरा पेपर प्लास्टिक वास्टिक बहुत ख़राब लग रहा है। तो आइए इस तरफ का एक नज़ारा देखें।